ये है बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट। कल इसी परिसर में छात्र आए थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए यहाँ पर, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश ने अपना रेजिग्नेशन, इस्तीफा दे दिया। नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो गई है, लेकिन ये बात नहीं अभी क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग कब से शुरू हो पाएगी। आप सुन रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही हैं। दिबलिन मेरे साथ हैं, उनको कहूँगा, मैं दिखाएंगे आपको। गेट पर आर्मी तैनात है, गेट के बाहर आप देख सकते हैं कुछ विरोध प्रदर्शन अब भी चल रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। कुछ ही समय में हम आपको वहां ले जाएंगे, लेकिन हफ्ता शुरू हो गया है, नया हफ्ता शुरू हो गया है, दुकानें बाज़ार खुल गए हैं, लेकिन फ़िलहाल जो सवाल बना हुआ है, जिसका कोई जवाब नहीं है, वो ये है कि बांग्लादेश की हायर जुडिशरी किस समय से, कब से अपनी फंक्शनिंग शुरू कर पाएगी। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन का एक दूसरा रूप नजर आ रहा है। वर्दी में ये सारे अंसार ब्रिगेड अपने आप को बताते हैं, अंसार बटालियन के लोग। हमने इनको एयरपोर्ट्स पर देखा है, ट्रैफिक सिग्नल्स पर देखा है, चीज़ों को नियंत्रण में करते हुए, लेकिन अब वे खुद भीड़ का हिस्सा बन गए हैं यहाँ पर। उनकी कई मांगे हैं। ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਜਸਟ ਬੀਨ ਫਾਰਮਡ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਵਾਈ ਹੈਵ ਦੇ ਚੋਜ਼ਨ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਨਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਚੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਦਰ ਵਿਭਿੰਨ ਰਕਮ ਭੋਇ ਦਿਖਾਏ, ਚਾਕਰੀ ਚੂਤੋ ਕਰਾਰ ਭੋਇ ਦਿਖਾਏ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਦਫੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਦਫੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये नज़ारे हैं। अगर आप बांग्लादेश में हैं और अगर आप चीज़ों को और नॉर्मलाइज होते देखना चाह रहे थे, तो शायद ये आपके लिए अच्छे समाचार ना हो, और सरकार के लिए ये एक और चैलेंज बनकर उभर कर आया है।